हाय नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर ललित कसाना और स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। और आज मंडे है और आज जा रहे हैं हम जयपुर और बहुत अच्छा ट्रिप रहने वाला है। नौ हमें अपना जो जयपुर वाली कंपनी है वहाँ पे आज विजिट करना है क्योंकि अभी ग्लूटाथॉन जो है वो बन रही है वहाँ पे। ग्लूटाथॉन खत्म हो गई थी और बच्चे आज हैं नहीं साथ में, तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम दोनों ही जाते हैं और सेल्फ ड्राइव करके जाते हैं। इसलिए आज गाड़ी भी जो है हमने होंडा सिटी ली है, अपना आराम से धीरे धीरे करके जो है बिना किसी भाग दौड़ के आराम से जाएंगे। आज जाते ही आज काम करेंगे, कल फिर अपना आराम से आ जाएंगे। पहले सीधे फैक्ट्री जाएंगे, फैक्ट्री के बाद शायद 3-3.30 बजे के करीब चेक इन है, तो मेरे हिसाब से 4-4.30 बजे तक हम वापस आ जाएंगे होटल और उसके बाद फिर अपना जो है हम चलते हैं। क्योंकि वैसे भी हमारा रिकॉर्ड रहा है आज तक, जब भी हम जयपुर गए कभी मेरे हिसाब से 2 बार ऐसा हुआ है 6 बजे से पहले कभी चेक इन नहीं किया हमने। नहीं, चेक इन तो की बात अलग है, लेकिन बारिश हमेशा मिली है। हाँ, बारिश कभी ऐसा हुआ है क्या, 2 बार बारिश नहीं मिली है। आज भी पूरा मौसम बिल्कुल बारिश का है, एक बार ही ऐसा हुआ है कि बारिश नहीं मिली है, अदरवाइज हर बार बारिश मिली है। अभी रुके हैं खाने के लिए मन्नत पे और मैंने लास्ट टाइम इसके पराठे ट्राई किए थे तो बहुत जबरदस्त पराठे लगे थे, तो इसीलिए दोबारा अभी फिर हमने सोचा कि थोड़ा सा लंबा जरूर पड़ गया भूख लगते लगते जो है, लेकिन बढ़िया है। देखो आज भी ऐसे ही मिले डॉक्टर पूजा नहीं मुझे जो तेल देंगी पकड़ के जो है। तो ये अभी इसका इधर मन्नत का नया कुछ बन रहा है और ये अच्छी जगह है, मतलब पराठे अगर खाने हैं, हालांकि दिल्ली से आते हुए टाइम लग गया मेरे हिसाब से, अब 11:30-11:30 बजे पहुंचे हैं हम, लेकिन बढ़िया है पराठे यहाँ के। देखिएगा भैया दही आ चुकी है और मुझे अभी जब आया हूँ दही के लिए ही मैंने मन्नत पे रोका क्योंकि बहुत बेहतरीन दही है, एकदम जो है ना नेचुरल। ये अलग अलग ही जमाते हैं, हर कसोरे से हमें अलग जमाएंगे। और साथ में है घी और डॉक्टर को जब किलो करते हुए आ रहे हैं दही आके टेस्ट करके देखो दही मीठी है। तो दोस्तों देखिएगा पराठा बटर के साथ है, घी देसी घी, ये दही कैसा है। फेयरमोंट जयपुर nice। तो दोस्तों अभी पहुंच चुके हैं हम फेयरमोंट जयपुर, और लगता है यहाँ पे शादी वगैरह है या फिर वेलकम किया जा रहा है अभी डॉक्टर पूजा का, कूड़ा बहरा के डॉक्टर पूजा का स्वागत कर दिया गया है और साथ में वेलकम ड्रिंक कैसे क्या है juice. है क्या है ऑरेंज जूस सोडा अच्छा। और आप एम्बियंस देखिएगा अंदर का जो है कितना जबरदस्त है, तो अभी तक तो सब कुछ अच्छा है और आगे देखो। नेहा इज विद अस एंड नेहा अभी हमें प्रॉपर्टी दिखा रही है। तो ये है पूरा का पूरा रिसेप्शन एरिया जिसमें आज काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ लगी हुई है,
एंड सो ये देखिए कि एक बहुत बड़ा हॉल है, ऐसे वेडिंग वगैरह पर्पस से ना, कोई वेडिंग फंक्शन है या कुछ। ओके और ये देखिएगा, ये मेन बिल्डिंग है जहाँ पे होटल है। नेहा पूरे डीप में जाते हुए ये देखिएगा, जहाँ से एंट्री करते हैं उधर से ही लेफ्ट हैंड साइड पे है, इधर पूरा का पूरा ये पूल एरिया। ओके कितने साल पुराना? 400 साल। अच्छा 400 साल पुराना गेट, वेरी गुड। तो लाया कहाँ से गया ये? अच्छा जोधपुर से। तो इसे चुरा के लाए हो या ऐसे ही लाए हो? अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया, ये अच्छा है गप्पू जी तुम्हारा रील में जो है। आ जाओ, 400 साल पुराने गेट को देखने के बाद अभी हम जा रहे हैं। ये नया होटल बन रहा है रेफल्स के नाम से, इसकी भी एक झलक अभी आपको दिखा देते हैं, है ना? ये देखिएगा, वेरी नाइस। दिस इज पूल बार, पूल बार के सामने ही है न्यू होटल। आई थिंक आपके होटल का सबसे अच्छा व्यू यहीं से ही आता है ना? तो दोस्तों ये है फुल व्यू होटल का, आप देख सकते हैं क्या जबरदस्त व्यू है। इधर स्पा है, ओके एंड दिस इज जिम, ये भी काफी बड़ा है आपका जिम, ये भी लॉक है? ओके ठीक है, दिखा देता हूँ अभी लॉक है। ये है जिम एंड हेलो, देखिएगा सारे जितने भी जो एडवांस इक्विपमेंट हैं जिम में सारे ही जबरदस्त हैं। मतलब अगर आप वर्कआउट पसंद करते हैं तो अपना बढ़िया कर सकते हैं यहाँ पे आके, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भाई आपका आज का वर्कआउट जो है वो छूट गया। हालांकि मैंने भी सोचा था कि वर्कआउट करेंगे लेकिन सो के ही जो है 8 बजे उठा, तो अगर कुल मिला के बढ़िया, डिटॉक्स वाटर वगैरह सारी चीज़ें मतलब कुल मिला के बहुत ज़्यादा बढ़िया है और वास्तव में बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड दिस इज स्पा एंड You can feel the ambient. Very nice. So this is area. This area is for men. Let's. Nice. ये changing room वगैरह हैं and इसके बाद ये सारा का सारा जकूजी एंड ऑल। सोना स्टीम एंड हियर इज हॉट वाटर जकूजी। ये इधर सोना रूम है, ये भी काफी बड़ा रूम बना हुआ है और ये इधर साउंड एरिया। तो दोस्तों कुल मिला के मतलब अगर आप ग्रुप में आ रहे हो तो बहुत बढ़िया जगह है और
हालांकि मैं ट्रैवलिंग व्लॉग जो है, पहले हम जाते बहुत थे लेकिन मैं व्लॉगिंग करता नहीं था, लेकिन अभी मैं कर रहा हूँ क्योंकि जिस जिस चीज़ को हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं हो सकता है कि वो आपसे छूट जाए, तो जब आप नेक्स्ट टाइम कभी भी इधर आएँ तो इन सारी चीज़ों का फ़ायदा आप बहुत अच्छे से उठा पाएँ। सो ये अपने आप में बहुत ज़बरदस्त है। सारी चीज़ें मैंने अभी आपको दिखाई थी स्पा के अंदर जो है, मतलब सारी चीज़ें जो है आपके पैकेज में ही इंक्लूड हैं, आप सारी चीज़ों का फ़ायदा ले सकते हैं। बट अगर इसमें हमें, अगर इसको जो है सिर्फ कॉस्ट्यूम चार्ज जो है वो कॉस्ट्यूम चार्ज लगता है, जो कि है अगर मेल बाई करते हैं तो उनके लिए 800 रुपीज़, और फीमेल्स के लिए अगर बाई करते हैं तो दैट विल बी 1800, और अगर रेंट पे लेते हैं तो अप्रॉक्स 500 कुछ है। अभी वापस आ चुके हैं घूम के सारा जो है, और आप एम्बियंस देखिएगा, यहाँ का एम्बियंस बहुत ज़बरदस्त है, सुकून वाला एकदम जो है। हालांकि अभी क्योंकि चेक इन टाइम चल रहा है तो थोड़ी सी भीड़ भाड़ ज़्यादा है,